नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो ब्लड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके हैं जी, राजेंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, RIMS की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, जैसे ही आप exam.blood.com से सर्च करोगे तो आपको ये यहाँ पर सारी का सारा ऑफिशियली ओपन ऊपर ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो वो उस पर क्लिक करते ही RIIMS रांची की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ये फॉर्म ऑफलाइन मोड में है जी, इसमें कंडीशन है जी, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 10th आपके पास होनी जरूरी है जी, सिर्फ 10th पास मांगी है, वो भी रांची से 10th पास हो, और 230 पोस्टें हैं। ठीक है जी, 230 पोस्टें, अलग अलग पोस्टें, वो भी शेयर करेंगे। और इसमें 5200 से लेकर 20200 तक आपका पे स्केल राजेंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का रहने वाला है। ठीक है, इसमें अप्लाई फॉर्म फिलअप होने कब से स्टार्ट हो चुके हैं वो बात डिस्कस कर लेते हैं। 20 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 19 जून इसकी लास्ट डेट है। और मैक्सिमम फीस आपकी 600 रुपये रहने वाली है, और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल मांगी हुई है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेशन की 600 रुपये फीस है, SC ST की 150 रुपये, 150 रुपीज़ आपकी फीस रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो किसकी कौन सी को पोस्टें हैं, वार्ड सेवक और वार्ड सेविका की 144 पोस्टें हैं, लैब मेंटेनर की 30 पोस्टें हैं, हेड जमादार की एक पोस्ट है, पीएन कम पैकर की एक पोस्ट है, इसी तरह स्वीपर की एक पोस्ट है, एम्बलवर की एक पोस्ट है, और मोटरी सेवक की एक पोस्ट है, स्ट्रेचर वाहक की एक पोस्ट है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बात करें किचन सेवक की 2 पोस्टें हैं, लैब बॉय की एक है, सेवक कम स्वीपर की 2 पोस्टें हैं, लैब सेवक की 4 पोस्टें हैं, वॉचमैन की 2 हैं, और दरवाने की आपको टोटल में 12 पोस्टें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद माली की 8 पोस्टें हैं, ड्राफ्टरी की 1 पोस्ट है, नाइट वॉचमैन की 3 पोस्टें हैं, सेवक की 6 पोस्टें हैं, और पीएन की 9 पोस्टें हैं। ठीक है, अलग अलग सबकी पोस्ट है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई होगा कैसे होगा वो भी डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की बात करें, 18 से मैक्सिमम 35 साल एज मांगी है, कम से कम 18 और मैक्सिमम आपकी 35 साल एज 1 अगस्त तक होनी कंपलसरी है। इसमें सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट आपका एज पर पोस्ट की रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपका टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका मेडिकल रहने वाला है। ऑफिशियली वेबसाइट की बात करें तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी, जो कि ऑलरेडी पहले भी आपको दिखा दी है। और उसके बाद ऑफिशियली नोटिफिकेशन की बात करें तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। इसमें सारी की सारी डिटेल्स आपको पूरी डिटेल में दे दी गई हैं। एड्रेस आपको यहाँ पर रांची का एड्रेस ऊपर ऊपर देखने को ये मिल गया है, ब्रियातू रांची, रांची से ही आपने की हो तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो। 10वीं रांची से पास आउट होनी कंपलसरी है। ठीक है जी, पे जो कि परीक्षा का एग्ज़ाम का जो चार्जेस रहने वाला है 600 रुपये जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए, और 150 SC ST के लिए रहने वाले हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल हो गए। आपने जो कि फीस पेमेंट करनी है वो किस तरह करनी है वो आपको ये सारे का सारा HDFC बैंक बरियातू रांची का NEFT या RTGS के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ये बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है जी, ये बैंक अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद कौन सी किसकी कितनी पोस्टें हैं, जैसे मैंने कहा है हेड जमादार की है जी 1, जनरल की पोस्ट है, इसी तरह चौकीदार की बात करें तो चौकीदार में SC की 1 पोस्ट है। ठीक है, इस तरह आप अपनी कैटेगरी वाइज जरूर ध्यान दे लीजिएगा पोस्ट का। ठीक है, और 19 पोस्टें अलग अलग, इनमें से निःसशक्त जो जन है उनके 4%, महिलाओं की 5%, और स्पोर्ट्स कोटे की 2%, आदिवासी जो अनुसूचित जाति का है उसके 2% रिजर्वेशन रहने वाली है। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपके पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो पे स्केल लेवल 1 का रहने वाला है, 5200 से लेकर 20200 तक, और ग्रेड पे 1800 प्लस में आपका रहने वाला है। और इसमें आपकी 10वीं जो कि रांची से पास आउट होनी
कंपलसरी है, रांची के अंतर्गत ही आपकी 10वीं होनी जरूरी है जी। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो ये सारे आपको डिटेल मिल गई है, इसमें आपका एक्सपीरियंस जो कि मैं बात कर रहे थे आप एक्सपीरियंस की, ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जी, इसमें एक्सपीरियंस आपका अनुभव जो कि होना चाहिए 500 से अलग, 500 से ज़्यादा बिस्तरों वाले जो सरकारी अस्पताल हैं या कोई प्राइवेट में आपने वर्क किया हुआ है, 500 बेड के प्लस उनमें बेड होने चाहिए, उनमें उस हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस आपका आपकी पोस्ट के हिसाब से होना जरूरी है। अनुभव प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब संबंधित अस्पताल के हेड लेटर हेड में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत किया गया हो, जिस पर पत्रांक और निर्गत की तिथि अंकित हो, यानी कि जब आपने काम किया है उसकी डेट और जो हॉस्पिटल का हेड इंचार्ज है उसका आपका सिग्नेचर होने जरूरी है, तो ही आप अप्लाई आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस आपका मांगा हुआ है, यह सभी के लिए एज रिलैक्सेशन अलग अलग मांगी बताई हुई है 1 अगस्त तक। ठीक है जी, आरक्षण आपका एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रहने वाला है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपका जो कि रिजर्वेशन की बात करें झारखंड के जो कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके लिए ही, रहती वालों के लिए ही, उस स्टेट के हिसाब से झारखंड के आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है जी, आवेदन की बात करें तो सारे का सारा आपने आवेदन ध्यान से भरना है, फिलअप करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। ये क्या कुछ आपने साथ में सेंड करना है, ठीक है, इसमें सभी प्रकार के प्रमाण पत्र आपने साथ में देने हैं, हाल ही में खींचवाई हुई पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी है, और शुल्क की जो आप RTGS या NEFT करवाओगे उसकी रसीद साथ में अटैच करना जरूरी है, एक अतिरिक्त लिफाफा जिस पर आपका पता आपने संलग्न किया हो लिखा हुआ हो, और साथ में एक डाक टिकट भी लगानी है। इन्होंने ये नहीं बताया जी डाक टिकट कितनी लगानी है, बट डाक टिकट लगानी है भी, जिस पर आपके फॉर्म आपके एडमिट कार्ड आपके घर में आ जाए। ठीक है, वो एड्रेस आपने खुद, एक तो एनवलप भरना ही भरना है, एनवलप में फॉर्म फिलअप करके भरना है, साथ में सभी के सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 10वीं आपका 12वीं जो आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन का कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, सभी फोटो कॉपीज पर आपने सेल्फ टेस्ट साइन करने हैं, वो एनवलप में डालने हैं, और एक उस एनवलप के बीच में एक ब्लैंक एनवलप और डालना है जिस पर आपने सिर्फ अपना एड्रेस लिखना है, कहाँ पर आपका एड्रेस है उस पर आपका पूरे का पूरा एडमिट कार्ड वगैरह आ जाए, वो एड्रेस आपने सेंड लिख कर वो ब्लैंक में लगाना है। ठीक है जी, और इसमें लास्ट डेट है जो आपको बता दी गई है 19 मई तक आपका दोपहर के शाम के 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है जी, और परीक्षा के एक चरण में परीक्षा ली जाएगी जिसमें पूर्ण अंक एक क्वेश्चन एक मार्क्स का आपका OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है जी, और इसमें किसके कितने क्वेश्चन होंगे, जैसे कि 2 घंटे का एग्जाम होगा झारखंड के सामान्य ज्ञान के जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, सामाजिक विज्ञान के 20 होंगे, विज्ञान के 20 होंगे, मैथ के आपके 10-20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, यानी कि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का, यानी कि 100 का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। आपकी अगर जनरल से हो तो 40% आपको क्वालिफाइंग नेचर चाहिए मिनिमम, अगर आप SC ST या महिला हो तो फीमेल हो तो 32% कम से कम आपको क्वालिफाइंग नेचर चाहिए, ये आपको अलग अलग क्वालिफाइंग नेचर बता दी गई है, इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए 40%, ठीक है, ये आपके कम से कम आने जरूरी है। ठीक है जी, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से फिलअप करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी मिस्टेक फॉर्म फिलअप करते मत कीजिएगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं जी, फॉर्म कहाँ पर आपको मिलेगा, फॉर्म नीचे बिल्कुल जाकर 26 नंबर पेज पर आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। ठीक है, ये फॉर्म है जी आवेदन पत्र के नाम पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके विज्ञापन की संख्या जो कि मैंने आपको ऊपर बताई दी है, पहले भी ऑलरेडी बता दी है विज्ञापन की संख्या, ठीक है, इसके टॉप में लिखी हुई है, वो आपको बाद में बता देते हैं, वो भी लिखनी है, और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है, आवेदक का नाम, आपका नाम, आपके पिता का नाम, जन्म तारीख, आपका भी पुरुष हो महिला हो वो लिखना है, धर्म क्या है, जाति क्या है, वर्तमान पता, परमानेंट पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका 10वीं की पूरी डिटेल, क्योंकि 10वीं मांगी है और एक ही कॉल मिलेगा जी,
और आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है, इसमें भी एक ही कॉलम मिलेगा। परीक्षा शुल्क आपको किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस हिसाब से टोटल अमाउंट लिख दीजिएगा। बैंक का नाम, कहाँ से आप आरटीजीएस या नेफ्ट करवा रहे हो वो बैंक का नाम, कौन सी शाखा से करवा रहे हो वो, यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम लिखकर ये आपने डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन करने हैं। डिक्लेरेशन कंप्लीट करके साथ में सभी के सभी फोटो कॉपीज लगानी है, ठीक है जी। और एक ये प्रवेश पत्र के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो कि आपको मैं बताई दूंगा, और इसमें पद का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने करंट टाइम की फोटो लगानी है, एक फॉर्म पर लगानी है, एक आपने इसमें एडमिट कार्ड में लगानी है, ठीक है जी। यहाँ पर भी इसी तरह इसमें आपने कुछ नहीं फिलअप करना, इसमें करना है सारा कुछ, ठीक है जी। और इसमें भी आपने एक पासपोर्ट साइज फोटो, दो फोटो आपने लगानी है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी आप एक फोटो चिपका जरूर दीजिएगा। कहाँ पर सेंड करना है ये आपको एड्रेस बता दिया गया है, इस एड्रेस पर आपने फॉर्म सेंड करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियली नंबर से, ऑफिशियली वेबसाइट पे नंबर भी ले सकते हो, जिस पर आप कंसर्न भी कर सकते हो, ठीक है जी। और इसमें जो विज्ञापन है, विज्ञापन है जी, विज्ञापन नंबर है जी 2292 2292 ये विज्ञापन नंबर है, ये आपने फॉर्म के ऊपर में लिखना है, ठीक है। अब सेंड करना कैसे करना है, आरटीजीएस कैसे करवानी है, सब कुछ आपको बता दिया गया है, ठीक है जी। और आप जरूर इससे डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वेब पोर्टल को शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।